नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। प्रदेश ने आज एक मूल्यवान हीरा खो दिया। मशहूर इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे के निधन से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, तो राजकुंद्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब मुंबई के एक कारोबारी ने 1,51,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस बीच वरिष्ठ अभिनेता विक्रम गोखले ने कहा कि भाजपा और शिवसेना को दोबारा गठजोड़ करना चाहिए। उनका दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माना था कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद न देना चूक थी। उधर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे परिवहन मंत्री अनिल परब के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा अमरावती हिंसा को लेकर अब राजनीतिक दलों में घमासान छिड़ गया है। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। प्रदेश के इन 5 बड़ी और ताजातरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मशहूर इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का आज यानी सोमवार सुबह पुणे के दीनानाथ मंगेशकर मेमोरियल अस्पताल में निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य गाथा और उनके योगदान को अपनी लेखनी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने वाले बलवंत मोरेश्वर उर्फ बाबा साहेब पुरंदरे 99 वर्ष के थे और 90वें साल में प्रवेश कर चुके थे। अस्पताल ने बताया कि पुरंदरे ने सोमवार को सुबह 5 बजे आखिरी सांस ली। 17वीं शताब्दी के मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी पर उन्होंने काफ़ी काम किया है और उन्हें इसी काम के लिए शिवशहर के नाम से जाना जाता है। उन्हें हाल ही में निमोनिया हो गया था जिसका इलाज चल रहा था। 29 जुलाई 1922 को तत्कालीन पूना के पास सासवड़ में जन्मे पुरंदरे कम उम्र से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से मोहित हो गए थे और उन्होंने उन पर काफ़ी रिसर्च कर निबंध और कहानियाँ लिखी, जो बाद में एक पुस्तक रूप थिनाग्य में प्रकाशित हुई। शिवशायर बाबा साहब पुरंदरे के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बाबा साहब पुरंदरे का निधन इतिहास और संस्कृति की दुनिया में एक बड़ा शून्य छोड़ गया। उन्हीं की बदौलत आने वाली पीढ़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज से और जुड़ेंगी, उनके अन्य कार्यों को भी याद किया जाएगा। फोन रैकेट मामले में जेल से छूटे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब मुंबई के एक कारोबारी ने शिल्पा राज और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 1,51,00,000 रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। नितिन बराई नाम के शिकायतकर्ता का आरोप है कि जुलाई 2014 से मई 2015 के बीच उसका मेसर्स SFL फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से समझौता हुआ था। कंपनी ने उनसे पुणे के पास स्थित कोरेगांव के हड़पसर में जिम और स्पा की फ्रेंचाइजी खोलने का समझौता किया था। इसके लिए उनसे 1,51,00,000 रुपये लिए गए। बराई का दावा है कि उसे मोटे मुनाफे का लालच दिया गया था, लेकिन काफ़ी समय तक जिम और स्पा नहीं बना तो उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाए और पैसे मांगे तो उन्हें धमकाना शुरू कर दिया गया। बांद्रा पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 406, 409, 420, 506, 34 के साथ 120B के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज की है। मामले में आरोपियों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मामले की छानबीन की जा रही है। वरिष्ठ अभिनेता विक्रम गोखले ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माना था कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना का 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद न देना चूक थी। गोखले ने कहा कि भाजपा और शिवसेना को दोबारा गठजोड़ करना चाहिए। मैं दोनों दलों को फिर से साथ में लाने के लिए प्रयास भी कर रहा हूँ। इस बीच शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि गोखले को यदि सपना देखना है तो देखने दीजिए। गोखले के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। चव्हाण ने कहा कि गोखले को किसी दल में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहिए, इसके बाद उन्हें किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ अभिनेता विक्रम गोखले ने अभिनेत्री कंगना रनौत के भारत को आज़ादी भीख में मिलने वाले बयान का खुलकर समर्थन किया है। गोखले ने कहा कि मैं कंगना के बयान से पूरी तरह से सहमत हूँ। भारत को आज़ादी दी गई है, हमें आज़ादी किसी के मदद से नहीं मिली है। गोखले ने कहा कि देश में जिन योद्धाओं ने आज़ादी के लिए प्रयास किया उनके फांसी के समय बड़े बड़े लोग मुखदर्शक बने रहे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को फांसी से बचाने की कोशिश नहीं की, ऐसे लोग भारत की केंद्रीय राजनीति में थे। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के समर्थन में मंत्रालय के बाहर 2 लोगों ने आत्मदाह की भी कोशिश की।
इस बीच MSRTC का राज्य सरकार में विलय करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे परिवहन मंत्री अनिल परब के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं मुंबई के आज़ाद मैदान पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ST कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांग नहीं मानती तो मातोश्री पर मोर्चा निकाला जाएगा। भाजपा ST कर्मचारियों के साथ है, मौजूदा सरकार मायावी है, मायावी राक्षसों की तरह मौजूदा सरकार के पास आम लोगों को भरमाने की तरकीब है। सरकार ने किसानों से भी वादा खिलाफी की, अब ST कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही करेंगी। उधर ST महामंडल की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक हड़ताल के बावजूद ST के 3,987 कर्मचारी काम पर पहुंच गए हैं। हालांकि कुल 92,266 कर्मचारियों में से 88,279 अब भी हड़ताल में शामिल है। जो कर्मचारी काम पर पहुंचे उनमें 195 ड्राइवर और 77 कंडक्टर थे। काम पर पहुंचने वाले 2,483 कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं। त्रिपुरा के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दंगा फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग अब शिवसेना ने की है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपील की है कि इस मामले में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता, सभी राज्य के कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देने में मदद करें। दूसरी तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि अमरावती में हुई हिंसा के पीछे कोई साजिश है, यह महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, क्योंकि त्रिपुरा हिंसा के विरोध का असर पूरे देश में दिखना चाहिए था। इसका असर केवल महाराष्ट्र में क्यों देखने को मिल रहा है? हिंदू तो पूरे देश में रहते हैं। यदि देश में हिंदू खतरे में है तो RSS प्रमुख मोहन भागवत को दिल्ली में मोर्चा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए। इस मोर्चे में शिवसेना भी शामिल हो जाएगी। राउत के इस बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अमरावती में शनिवार को जो हुआ वह हिंदुओं की उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया थी, लेकिन राउत कहते हैं कि अमरावती में शनिवार के बंद में भाजपा का हाथ है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि शुक्रवार को अमरावती में हुई तोड़फोड़ के पीछे किसका हाथ है? इसका जवाब राउत को देना चाहिए। भाजपा विधायक नीतीश राणे ने भी कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द रजा अकादमी पर पाबंदी लगाए। यदि सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि संगठन को कैसे बंद करना है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हमेशा से ही राजनीतिक दलों के लिए जोर आजमाइश का केंद्र बना रहा। इस बार फिर वामपंथी छात्र दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच बवाल की खबर है। तो 108 साल के लंबे इंतजार के बाद मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा श्रीकाशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा यात्रा की अगवानी की। उधर केरल के वायनाड जिले में नोरो वायरस का खौफ सामने आया है। अभी तक 13 मामले सामने आए हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली और NCR के शहरों में सोमवार को भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। इसके अलावा आगरा में 15वीं वाहिनी PS के असिस्टेंट कमांडेंट ने ताजमहल में बिना टिकट एंट्री के लिए ईस्ट गेट और फिर रॉयल गेट पर ASI ऑफिस में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। माहौल गरमाया रहा। देश की इन पांच बड़ी और ताजातरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघों के बीच एक बार फिर बवाल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात JNU कैंपस में वामपंथी छात्र दलों की बैठक होनी थी। आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्य पहले ही वहां पहुंच गए और वामपंथियों से उनकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच मामला मारपीट तक जा पहुंचा। रात में ही पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस सोमवार सुबह मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस का कहना है कि मारपीट जरूर हुई है, लेकिन मामला बहुत बड़ा नहीं है। घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि JNU में ABVP के कई कार्यकर्ताओं पर वामपंथी गुटों ने हमला किया। हमले में घायल कुछ कार्यकर्ताओं को एम्स में भर्ती करवाना पड़ा। पीड़ितों में ABVP पदाधिकारी लड़कियां और दिव्यांग छात्र भी शामिल है। उनका कहना है कि स्टूडेंट एक्टिविटी रूप में ABVP कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। इसी दौरान AISA, SSI और अन्य वामपंथी दलों के बीच करीब 100 हमलावरों ने वहां पहुंचकर घटना को अंजाम दिया। ABVP के कार्यकर्ताओं ने थाने में लिखित शिकायत भी दी है। इसके साथ ही वामपंथी दल से संबंधित एक सदस्य ने भी शिकायत दी है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर बैठक में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। 108 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार सुबह मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा श्रीकाशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा यात्रा की अगवानी की।
भव्य स्वागत के बाद प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने। मूर्ति स्थापना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई, जलाभिषेक और दूधाभिषेक कर बाबा से आशीर्वाद मांगा। जल कल्याण के भावों से बाबा का पूजन अर्चन कर वहां से रवाना हुए। गौरतलब है कि दिल्ली से 11 नवंबर को रवाना होने के बाद काशी पहुंचने के दौरान मां की प्रतिमा अलीगढ़, लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर समेत यूपी के 18 जिलों से गुजरी। दिल्ली से काशी आई माता की प्रतिमा का सोमवार को नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्धा, डमरू दल, घंटा, घड़ियाल बजाकर माता के रास्ते भर आरती उतारी गई। आज सुबह वाराणसी में दुर्गा कुंड मंदिर से माता की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकली और गुरुधाम चौराहा, विजया मॉल, ब्रॉडवे होटल, मदनपुरा, गौदलिया होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माता की आरती उतारकर उनकी अगवानी की। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच अब नोरो वायरस का खौफ बढ़ने लगा है। केरल के वायनाड जिले में अभी तक नोरो वायरस के 13 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 15 से ज्यादा लोगों में इसके लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि अब तक वायनाड कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के 13 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें ज्यादा लक्षण देखने को मिल रहे हैं। यह सभी मरीज महिला हॉस्टल में रहती हैं, उनमें दस्त और उल्टी जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक नोरा वायरस वायरस का एक ऐसा समूह है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है। यह दूषित सतहों या भोजन के संपर्क में आने से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है। नोरो वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति अरबों नोरो वायरस कणों को फैला सकता है। इस हिसाब से एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है, क्योंकि नोरो वायरस के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। या बच्चों, बुजुर्गों और ऐसे लोग जो पहले से अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं उनमें गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR के शहरों में दिवाली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण को लेकर हालात गंभीर बने हुए हैं। सोमवार को भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 है। इस कारण 1 से 12 तक के स्कूल आगामी हफ्ते यानी 20 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और जर्जर में भी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। इसी बीच दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कहा गया कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण वह लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया कि अगर पड़ोसी राज्यों के NCR क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लागू किया जाता है तो यह सार्थक होगा। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया में कहा था कि लॉकडाउन एक बड़ा फैसला होगा, ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन और उसके तौर तरीकों का मसौदा प्रस्ताव तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। आगरा में 15वीं वाहिनी PSC के असिस्टेंट कमांडर ने ताजमहल में बिना टिकट एंट्री के लिए ईस्ट गेट और फिर रॉयल गेट पर ASI ऑफिस में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। मोबाइल फोन और ऑफिस में रखी मेज का कांच तोड़ने के साथ ही कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और हमले का प्रयास किया। आरोप है कि वह खुद को मथुरा के एक मंत्री का रिश्तेदार बता रहा था। 3 घंटे तक चले विवाद के बाद ASI कर्मचारियों ने थाना ताजगंज में असिस्टेंट कमांडेंट के खिलाफ तहरीर दी है। CISF ने भी अपने मुख्यालय को इस हंगामे की जानकारी दी। आरोप है कि असिस्टेंट कमांडेंट और अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ पहुंचा था। पुरातत्व विभाग के अधीक्षक राजकुमार पटेल ने बताया कि वह अपना नाम जगजीवन शर्मा बता रहा था। वह ताजमहल के ईस्ट गेट से अंदर घुसने लगा तो कर्मचारियों ने रोका, लेकिन वह नहीं माना। रोकने वाले PSC के सिपाही के साथ उसने गाली गलौज और अभद्रता की। इसके बाद रॉयल गेट पर जब उसे रोका गया तो धक्का मुक्की शुरू कर दी। कर्मचारी उसे लेकर ASI ऑफिस आए। इस पर उसने वहां रखी शीशे की टेबल समेत काफी सामान भी तोड़ दिया। उसने खुद को 15वीं वाहिनी PSC का असिस्टेंट कमांडेंट बताते हुए धमकाने का प्रयास किया। ASI अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने बताया कि थाने में इसकी शिकायत की गई है। मिश्रा में बाढ़ के विभीषक झेल रहे लोगों पर अब बिच्छुओं की सेना ने हमला बोल दिया है। 89 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।
तो दूसरी तरफ पुरातत्वविदों को प्राचीन मिस्र के राजा फराओ के 6 लापता सूर्य मंदिरों में से एक मिल गया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीतने के बाद वहां के क्रिकेट खिलाड़ियों का अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैथ्यू वेड और मार्क्स स्टॉइनिस जूते में बियर डालकर पी रहे हैं। उधर जब से भारत ने सीमा पर अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की है, चीन लाल हो गया है। उसने चेतावनी दी है कि इससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में बाधा आएगी और तनाव बढ़ेगा। इसके अलावा पोलैंड और रूस के अभिन्न मित्र बेलारूस के बीच भीषण जंग का खतरा मंडराने लगा है। पोलैंड ने भारी हथियारों से लैस 15,000 सैनिक सीमा पर भेजे हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिस्र के दक्षिणी इलाके में स्थित असवान शहर में भारी तूफान के बाद बिच्छुओं की सेना निकल आई और उसने स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। इस भीषण हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 500 अन्य घायल हो गए हैं। आलम यह है कि दुनिया के ये सबसे खतरनाक बिच्छू सड़कों और लोगों के घरों में घुस गए हैं। ये हमले गवर्नर के कार्यालय के पास पहाड़ी इलाके की ओर भी हुए। इस महासंकट को देखते हुए डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने बताया कि बिच्छुओं के काटने के बाद 89 लोगों को असवान यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। यही नहीं, सैकड़ों लोगों का शहर के अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मरीजों की भारी संख्या को देखते हुए छुट्टी पर गए डॉक्टरों को वापस बुला लिया गया है। सभी अस्पतालों को बिच्छुओं का जहर खत्म करने वाली दवा की अतिरिक्त सप्लाई की गई है। बिच्छुओं के काटने से लोगों को धुंधला दिखने लगा है, जिससे शहर के कुछ रास्तों पर यातायात को रोक दिया गया था। हालांकि शनिवार को सड़क और जहाजों का यातायात फिर से शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों और पेड़ों से भरे इलाकों से दूर रहें। डॉक्टरों का कहना है कि बिच्छू के डंक मारने के एक घंटे के अंदर अगर इलाज नहीं किया गया तो मरीज की दर्द से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके काटने पर इंसान का सिर घूमने लगता है और उसे सांस भी नहीं लिया जाता है। अपने पिरामिडों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मिस्र में पुरातत्वविदों के हाथ पिछले 50 साल में सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुरातत्वविदों को प्राचीन मिस्र के राजा फराओ के 6 लापता सूर्य मंदिरों में से एक मिल गया है। यह सूर्य मंदिर देश के एक रेगिस्तानी इलाके में खुदाई के दौरान पाया गया है। करीब 50 साल पहले इस तरह का पहला सूर्य मंदिर खुदाई में मिला था। ये मंदिर राजा फराओ के जिंदा रहने के दौरान उन्हें भगवान का दर्जा देने के लिए बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के केवल 6 मंदिर बनाए गए थे और अब तक 2 ही मंदिर खुदाई में मिले थे। यह इस तरह का तीसरा मंदिर है। इस मंदिर को अबू गोराब इलाके में खुदाई के दौरान पाया गया है। इस सूर्य मंदिर को नयुसिरे इनी ने बनवाया था। वह एक फराओ था जिसने 24 से 35 साल तक शासन किया था। उसका शासनकाल 25 ईसा पूर्व था। इसे 5वां राजवंश कहा जाता है। इस सूर्य मंदिर को मिट्टी की बनी ईंटों से बनाया गया था। इसे यह भी पता चलता है कि यहाँ पर एक और इमारत पहले मौजूद थी। मिस्र के मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर मसी मिलियोनो नुजोल्लो कहते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ पर मंदिर के पत्थरों के नीचे कुछ है। वास्तविकता यह है कि वहाँ एक विशाल प्रवेश द्वार है, जो इस बात का इशारा करता है कि एक और इमारत मौजूद है। जब पुरातत्वविदों ने वहाँ से मलबे को हटाया तो वहाँ पर फूट का आधार मिला, जो लाइमस्टोन के पिलर का था। ये मंदिर बेहद शक्तिशाली सूर्य भगवान रा के लिए बनाए गए थे। यह देखने में पिरामिड की तरह से थे। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीत लिया है। वनडे वर्ल्ड कप की 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का यह पहला T20 विश्व कप है। रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल में आरोन फिंच की कप्तानी वाली टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान केन विलियम्स ने 48 गेंद पर 85 रन की पारी खेली। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान आरोन फिंच सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मिशेल मार्श और डेविड वार्नर की जोड़ी ने आक्रामक बल्लेबाजी की और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार तरीके से जश्न मनाया। टीम का यह जश्न हवाई जहाज में भी जारी रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के जश्न की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने एडम जंपा की तारीफ करते हुए एक सेल्फी भी पोस्ट की है। इसके साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैथ्यू वेड और मार्क स्टॉइनिस जूते में बियर डालकर पी रहे हैं। दरअसल जूते में डालकर पीने को ऐतिहासिक रूप से अच्छे भाग्य को लाने या यातना या पार्टी के तौर पर माना जाता है। महिलाओं की चप्पल से शैंपेन पीना तो उसे 20वीं सदी की शुरुआत में पतन का कारण माना जाता है। यह प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया में अभी तक लोकप्रिय है। यह इसे शुई कहा जाता है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन से निपटने के लिए भारत ने सीमा पर अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की है।
भारत की इस तैनाती से चीनी ड्रैगन लाल हो गया है। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि इससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में बाधा आएगी और तनाव बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स एक तरफ जहां ब्रह्मोस की तैनाती से बौखलाया हुआ है, वहीं उसने भारत के इस ब्रह्मास्त्र को बेकार करार दिया है। चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग ने दावा किया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से चीन की सीमा सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। पीएलए लगातार अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ा रही है ताकि ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को मार गिराया जा सके। उसने यह भी दावा किया कि संघर्ष शुरू होने पर चीन पहले ही हमला करके ब्रह्मोस के मिसाइलों और अन्य सैन्य केंद्रों को तबाह कर देगा। वहीं चीन के अन्य विशेषज्ञ कियान फेंग ने कहा कि भारत की ओर से ब्रह्मोस की तैनाती यह बताती है कि भारत पूरे मामले में सख्त रुख अपना रहा है। यह उससे उलट है जिसके तहत दोनों पक्ष बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद को सुलझाने पर जोर दे रहे हैं। इससे पहले भारतीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने स्वीकार किया था कि चीन अब भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बन गया है। यूरोपीय संघ के सदस्य पोलैंड और रूस के अभिन्न मित्र बेलारूस के बीच भीषण जंग का खतरा मंडराने लगा है। बेलारूस के भारी तादाद में सीमा पर सैनिक तैनात करने की सूचना मिलने के बाद पोलैंड ने भी अपने भारी हथियारों से लैस 15,000 सैनिक सीमा पर भेजे हैं। पोलैंड ने आरोप लगाया है कि बेलारूस उनकी सीमा में आ रहे शरणार्थियों को हथियार दे रहा है ताकि वे ताकत के बल पर घुस जाए। बताया जा रहा है कि पोलैंड के सैनिक आज इन हथियारबंद शरणार्थियों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दोनों तरफ के लोगों के पास हथियार है, इससे इस बात का खतरा बढ़ गया है कि खूनी हिंसा हो सकती है। पोलैंड से आ रही खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि बेलारूस की ओर से शरणार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे कुज़्निका सीमा पर हमला करें। इससे पहले पोलैंड ने आरोप लगाया था कि बेलारूस के सैनिक पोलैंड में बड़े पैमाने पर शरणार्थियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। बेलारूस के दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड है। इन दोनों देश के साथ रूस और बेलारूस के संबंध बहुत खराब है। यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर आरोप लगाया है कि वह पोलैंड में अवैध रूप से हजारों प्रवासियों को दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि इस विवाद में उनके देश की कोई भूमिका नहीं है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।